हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू आर न्यू चैप्टर दैट इज गुड मैनर्स गुड मैनर्स मतलब आप लोग में गुड मैनर्स है क्या नीचे देखो तो इतने सारे पिक्चर्स बने हुए हैं लेट अस सी विच आर गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स टिक द पिक्चर्स विच शो यू गुड मैनर्स है ना फर्स्ट वन देखो एक कैट जो है दूसरे कैट को क्या कर रहा है पुश कर रहा है तो इज इट गुड मैनर किसी को पुशिंग करना गुड मैनर्स है क्या नो इट इज नॉट गुड मैनर्स सेकेंड वाला देखो दोनों फ्रेंड्स मिलके अपनी जो विनिंग uh, ट्रॉफी है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो दिस इज गुड मैनर्स ये सो टिकेट। नेक्स्ट वन आई एम सॉरी किसी को सॉरी बोलना गुड मैनर्स होता है ना अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आप अगर उसको सॉरी बोलोगे तो वो गुड मैनर्स है कोई ने आपको कुछ दिया तो क्या आप क्या बोलोगे थैंक यू इट इज़ कॉल्ड गुड मैनर्स सी द नेक्स्ट वन किसी से झगड़ा करना गुड मैनर्स है क्या किसी को चिढ़ाना? नहीं ना तो इट विल नॉट कम गुड मैनर्स एंड द लास्ट वन ऑल्सो इट इज़ नॉट कॉल्ड गुड मैनर्स नाउ सी टर्न योर पोएज टू द पोएम लेटस रीड द पोएम अबाउट गुड मैनर्स ये पोएम हमारे पास गुड मानर्स के लिए यहाँ थ्री वर्ड्स थी हमको गुड मैनर्स के लिए थैंक यू प्लीज सॉरी थैंक यू प्लीज एंड सॉरी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ये सब गुड मैनर्स की चीज़ें है जैसे अगर आपको किसी ने कुछ दिया है तो हमेशा हमको उनको थैंक यू बोलना चाहिए सबसे फर्स्ट तो हमको गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि गॉड ने तो हमको लाइफ दी है ना करेक्ट प्लीज़ अगर हमको किसी से कुछ चाहिए अगर आपको आपके फ्रेंड से शार्पनर इरेजर कुछ भी चाहिए तो आपको प्लीज़ बोल के मांगना चाहिए कि प्लीज़ मुझे शार्पनर दो या प्लीज़ मुझे इरेजर दो एंड सॉरी इफ आपसे कोई मिस्टेक हो गई है देन यू हैव टू से सॉरी है नोके Now we'll start the poem. We say thank you, we say please. We don't interrupt or tease. We don't argue, we don't fuss. We listen when flocks talk to us. We share our toys and take our turn. Good manners aren't too hard to learn. It's really easy when you find. गुड मैनर्स मीन्स जस्ट बी काइंड ओके देखो फर्स्ट टू लाइन वी से थैंक यू वी से प्लीज वी डोंट इंटरप्ट और टीस मीन्स हम हमेशा क्या बोलते हैं थैंक यू और प्लीज बट हमने किसी को इंटरप्ट मतलब किसी को कोई चीज़ करने से रोकना नहीं चाहिए किसी को टीस नहीं करना चाहिए चिढ़ाना नहीं चाहिए टीस का मतलब चिढ़ाना वी डोंट आर्ग्यू वी डोंट फर्स्ट We listen when flocks talk to us means हम कभी आर्ग्यू नहीं करते झगड़ा नहीं करते किस फर्स्ट मीन्स किसी की कंप्लेंट नहीं करते और वी listen when फ्लॉक्स टॉक टू अस फ्लॉक्स मीन्स लोग पीपल फ्रेंड्स जब वो हमसे बात करते हैं हम उनका सुनते हैं वी शेयर आ टॉयज एंड टेक आ टर्न गुड मैनर्स एंड टू हर टू लर्न मीन्स हम एक दूसरे से टॉयज शेयर करते हैं अपने खिलौने शेयर करते हैं है ना आप भी करते हो ना आपके फ्रेंड्स के साथ और फिर अपना टर्न आए तक रुकते हैं वापस खेलने के लिए और क्या बोला यहाँ गुड मैनर्स जो गुड मैनर्स है वो इतने हार्ड नहीं है हमको सीखने के लिए कि हम लोग वो सीख नहीं सकते हार्ड है क्या किसी को थैंक यू बोलना सॉरी बोलना प्लीज़ बोलना हार्ड है नहीं ना इट्स रियली इजी वन यू फाइंड गुड मैनर्स मीन्स जस्ट बी काइंड मीन्स बहुत इजी है गुड मैनर्स गुड मैनर्स का मतलब क्या होता है बस आपको काइंड रहना है और ये जो तीन वर्ड है ये हमेशा याद रखना है थैंक यू प्लीज एंड सॉरी ओके स्टूडेंट्स नाउ विल फिल इन विल सॉल्व द फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट वी डोंट इंटरप्ट और देखो इधर है वी डोंट इंटरप्ट और T's, -E s e T's. We listen when flocks talk to us. We dash our toys, share our toys. Good manners means just being kind, yes. ना राइट द पेज ऑफ रॉइमिंग वर्ड्स गिवेन फ्रॉम द पोएम रॉमिंग वर्ड्स हमको लिखना है राइमिंग वर्ड्स को पता है क्या होते हैं जैसे जिसका जो लास्ट का साउंड होता है ना वो सेम होता है जैसे देखो प्लीज टीस प्लीज टीज फस अस टन लन फाइंड काइंड तो इसको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स सो वील राइट यर प्लीज तीस फर्न लर्न फाइंड काइंड ओके स्टूडेंट्स सो ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइमिंग वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक प्लस टेक्स्ट बुक में कॉपी करना है Okay, I hope you understood this poem. Thank you.